फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव ही नहीं हो रहा कि रैंक आ गया। एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में ग्रुप वन दिया था, सो 1 ईयर मैंने लिया प्रिपरेशन के लिए, ऑनलाइन लेक्चर्स लिए थे मैंने बाहर से, सो पर नहीं हुआ मुझसे, वो डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं हुआ मुझसे। मैं टाइम पास करता रहा, इंस्टा स्क्रॉल करता रहा, नहीं हुआ मुझसे वो। अराउंड मार्च में रिजल्ट आया ग्रुप वन का, उसके पहले मैंने जैन अराउंड एंड में क्लासेस लगाई थी ग्रुप टू की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड किया था कि सिर्फ ग्रुप टू ही दूंगा, बाकी ग्रुप वन का बाद में देखेंगे। सो रिजल्ट आया, सो तभी भी वही था कि ग्रुप वन दिसंबर में देंगे, लास्ट अटेम्प्ट तो है दिसंबर का, मतलब 23 का, दिसंबर 23, उसमें ग्रुप वन देंगे। अभी जून में ग्रुप टू देते हैं, और श्री सर को मैंने मैसेज भी किया था श्री सर बोले एक ही दे हट हुआ जरा सा सॉरी सर फिर भी अराउंड एग्जाम का जब टाइम टेबल रिजल्ट आया, उसके 2 दिनों में ही टाइम टेबल आया, फिर सोचा नहीं करते, बोथ ग्रुप्स देते हैं, ग्रुप टू की ट्यूशन में कर ले, मतलब क्लासेस में हो जाएगी, और ग्रुप वन की रात में करेंगे। सो सर बोलते थे कि क्लास का क्लास में ही ख़त्म करो, ऐसा ट्राई करता रहा मैं। और फिर अराउंड एग्जाम के 1 महीना पहले फिर मुझे लगा कि नहीं, सिर्फ ग्रुप टू ही देते, ग्रुप वन की नहीं हो रही है। फिर सोचा कि सिलेबस बहुत बड़ा है ग्रुप वन का, पूरा नहीं हो सकता। फिर जो मैराथन लेक्चर्स थे लास्ट अटेम्प्ट के श्री सर के, वो राज सर के, वो बस वही देखा, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स किए और पेपर दे के आया। और कॉस्टिंग के पेपर में CMAFM के ग्रुप टू के, मतलब पेपर बहुत टफ था, मतलब सुपरवाइजर की जरूरत ही नहीं थी क्लास में, बच्चा कॉपी भी क्या करे, किसी को कुछ नहीं आ रहा था, आधे बच्चे क्लास छोड़ के ही भाग गए, एग्जाम में आधा पेपर दे के चले गए बच्चे, और आधे तो सो गए। बस पूरा अटेम्प्ट किया, और रिजल्ट के बाद मतलब परसों आने वाला था शाम को, तब मतलब हार्ट बीट ज़्यादा हो रही थी, पर कैंसिल हो गए वो। फिर कल सुबह मैं सोया हुआ था, और बाकी क्लास के दोस्त के फोन आ रहे कि रिजल्ट आ रहा है, मैं बेड पे लेटे लेटे ही मैंने रिजल्ट देखा मेरा, बस हाँ बेड पे लेटे लेटे ही रिजल्ट देखा, और बस भाग के आया बेडरूम के बाहर और बता दिया कि पास हो गए। और तब रैंक का नहीं पता था, बस इतना पता था कि पास हो गए वो। फिर दोपहर को मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आया मुझे कि कॉन्ग्रेचुलेशन AR 31। तो मुझे लगा कि कोई प्रैंक हो रहा है मेरे साथ, फिर उसने मुझे PDF भेजी, फिर उसमें चेक किया, फिर आने लगे, फिर इंस्टा पे फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे 1.5 हज़ार हो गए अराउंड 800 थे एक दिन में, 700 फॉलोअर।